तहसील पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर एक मांझा विक्रेता के घर पर छापा मारा। उससे माल बेचने वाले की जानकारी मिली। पुलिस ने दोनों के घर से 196 बंडल नायलॉन मांझा जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में दसरा रोड मांगपुरा निवासी प्रियांक दीपक राव जाबलकर और कर्नल बाग नई शुक्रवारी निवासी सौरभ हरिश्चंद्र बनोदे का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि प्रियांक अपने घर से नायलॉन मांझा बेच रहा है। खबर के आधार पर मंगलवार की दोपहर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। बड़े पैमाने पर नायलॉन मांझे के बंडल पुलिस के हाथ लगे। उससे माल बेचने वाले के बारे में पूछताछ की गई। प्रियांक ने बताया कि सारा माल उसे सौरभ बनोदे ने बेचने दिया था। इसके बाद पुलिस ने सौरभ के घर पर छापा मारा। दोनों के पास से 1,38,000 रुपए का नायलॉन मांझा जब्त किया गया। इंस्पेक्टर मुकुंद ठाकरे, भारत क्षीरसागर और पीटी एयरकुर्की के मार्गदर्शन में एपीआई अजय लिंगनूरकर, हेड कांस्टेबल वामन ठुमरी, राजेश कांस्टेबल अंकुश, हरीश चंदन खेड़े, अंबिका, प्रवीण और राकेश ने कार्रवाई की। तीर संक्रांत निमित्त अपने विदर्भात विशेषतः नागपुर शहरात अनेक युवक खूब मोठ्या प्रमाणात पतंग उड़ता आणि असे पतंग उडत असताना पारंपरिक मांजाचा वापर न करता नव्याने निघालेल्या नायलॉन मांजा वापरतात आणि या नायलॉन मांजामुळे अनेक जीवितहानी झाल्याचे उदाहरण नसल्यामुळे माननीय पोलीस आयुक्त डॉक्टर अमितेश कुमार आणि माननीय पोलीस उपायुक्त झोन 3 राजमान्य सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमचे पथक नायलॉन मांजाची कारवाई करत असताना त्यांना गुप्त माहिती मिळाली की सोना रेस्टॉरंट चौक सीए रोडला एक व्यक्ती ॲक्टिवा गाडीवर नायलॉन मांजा घेऊन जात आहे। त्या सूचनेवरून एपीआय बागुल, पीएसआय वाघ, एएसआय संजय दुबे आणि त्यांचे पथक यांनी सोना रेस्टॉरंट वाघ चौकात रेड केली असता तकिया दिवांचा रहिवासी मोहम्मद तकीर वल्द अब्दुल रहीम व 21 वर्ष राहणार तकिया दिवांचा दारुल मस्जिद जवळ हा त्याच्या ॲक्टिवा गाडीवर नायलॉन मांजाचे 60 चक्री घेऊन जाताना मिळाला। त्या सखोलपूस विचारपूस केला असता तो मुंबई येथून ट्रान्सपोर्टने नायलॉन मागत असल्याचे माहीत झाले। त्याच्याकडे आणखी नायलॉन मांजा मिळाला। अशा प्रकारे आरोपी मोहम्मद तौकीर वल्द अब्दुल रहीम व 21 वर्षाच्या ताब्यात आम्हाला नायलॉन मांजाच्या ऑलआउट नायलॉन मांजाच्या 188 चक्र्या ज्याची किंमत मार्केटमध्ये 1,57,000 रुपये आहे आणि त्याच्याकडे असलेली ॲक्टिवा गाडी असा एकूण 1,97,000 मुद्देमाल आरोपी मोहम्मद तौकीरकडून जप्त करण्यात आला असून आता सध्याच्या नायलॉन मांजा जिथून आणण्यात आलेला आहे त्याच्यावर कारवाई करण्याकरता पुढील तपास तहसील पोलीस करीत आहे। तहसील पोलीस ने भी एक नायलॉन मांजा विक्रेता को जाल बिछा कर पकड़ा। उससे 188 चक्री जब्त की। पकड़ा गया आरोपी तकिया दीवान शाह मोमिनपुरा निवासी मोहम्मद अब्दुल रहीम बताया गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक युवक दोपहिया वाहन पर किसी को नायलॉन मांजा बेचने के लिए गांधीबाग बगीचे के पास आने वाला है। खबर के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और गाड़ी के नंबर के आधार पर तौकीर को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके पास 60 करीब बरामद हुए। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर पता चला कि ट्रांसपोर्ट से उसने और माल मंगवाया है। पुलिस ने उसकी जानकारी के आधार पर 128 नग चक्री और जब्त की। कुल 1,57,000 रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया है। इंस्पेक्टर जयेश भंडारकर, एपीआर संदीप बाकुल, पीएसआई स्वप्निल वाघ, एएसआई संजय दुबे, कांस्टेबल प्रशांत ससानी, पुरुषोत्तम जगनाड़े, प्रदीप सोनटक्की और रंजित बावनी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।